एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। फल कथन के सीरीज में आज जो हम नियम बता रहे हैं कि किस तरह से दशम भाव से संबंधित ये फल हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं, जो स्थिति हम बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, वो आपको कुंडली में बन रहा है तो जरूर ये स्थिति बनेगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मंगल जो ग्रह है वो शासन करने वाला ग्रह होता है, तो मंगल का दशम भाव जो है आपको मालूम है राजसत्ता का भाव है, उच्च नौकरी का भाव है, राजनीतिक का भाव है, राजसुख का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, विश्वविख्यात होने का भाव है। तो इस बात से अगर अच्छी स्थिति में है तो जातक महान विख्यात होता है, यशस्वी होता है, और तथा अगर वो राजसत्ता में होता है तो उसकी अच्छी सर्विस होके उच्च अधिकारी बनाता है। तो ये इस दशम भाव के बारे में कहा गया है। तो लग्न से जो भी आपका दशम भाव बनता है और मंगल जो है शासन करने वाला ग्रह है, तो दशम भाव का स्वामी और मंगल की स्थिति अगर कुंडली में अच्छी है मतलब बलवान होना चाहिए, मतलब अच्छे अंशों में होना चाहिए। दशम भाव का स्वामी और मंगल साथ साथ में हमेशा बोलते हैं कि लग्न और लग्न की स्थिति भी मजबूत रहना चाहिए। तो इस तरह से अगर दशम भाव जो है अगर वहाँ पे मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव अच्छा है, दशम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो वो जातक जो होता है वो अपनी जो सर्विस है वो उच्च अधिकारी होता है, राजसत्ता में होता है, और तो इस तरह से आप मान सकते हैं। तो आपको क्या देखना है, आपके जो भी लग्न कुंडली हो आप देखेगी दशम भाव का स्वामी भी जो है वो केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। दशम भाव का केंद्र क्या हो गया, पहला चौथा सातवां दशम भाव ये केंद्र भाव कहलाते हैं और त्रिकोण भाव है पांचवा नवा भाव। तो अगर दशम भाव का स्वामी आपका केंद्र में हो, त्रिकोण में हो और मंगल भी अच्छी स्थिति में हो, वो उच्च का हो, सौराशि का हो, मित्र राशि का हो आपके कुंडली में, तो जातक जो है उच्च अधिकारी होता है अपने कार्यकाल में और उसे अच्छी सर्विस प्राप्त होती है, क्योंकि ये राजसत्ता का भाव है तो राजसत्ता में मंगल शासन कराता है। तो मंगल के यहाँ आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि जो दशम भाव है उसमें मंगल जो है उच्च का होके बैठा है, मंगल यहाँ का कारक भी है, तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और दशम भाव का जो स्वामी बनता है वो शनि है, वो भी अच्छी स्थिति में बैठा है और दशम भाव भी अच्छा है। तो यहाँ दशम भाव का स्वामी शनि और मंगल जो है वो कारक है सत्ता का, वो सभी तीनों अच्छी स्थिति में होने के कारण जातक जो है वो अपने उच्च अधिकारी बनता है, उसको मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जैसा कि हमने बताया अगर वो गवर्नमेंट में है तो वहाँ पे भी उच्च अधिकारी बनता है, उसको अच्छे वहाँ से वो विश्वख्यात भी हो सकता है और साथ में इस तरह के जो फल बताए हैं वो उच्च नौकरी वाला, उच्च अधिकारी, विश्वख्यात आदि का और ये भाव होने के कारण इस तरह के सब फल जो है दशम भाव से हैं वो सब आपको प्राप्त होते हैं। तो आज हमने जानने का प्रयत्न किया कि किस तरह से जो सूत्र है कि अगर दशम भाव का स्वामी केंद्र में त्रिकोण में हो तो जातक राजपत्रित अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है और विश्वविख्यात होता है। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि अगर दशम भाव का स्वामी होगा कारक, दशम भाव का कारक मंगल भी यहाँ बनता है, मंगल शासन का भी कारक है, तो मंगल की अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है और दशम भाव का स्वामी भी केंद्र त्रिकोण में होता है तो जातक को विशेष दर्जा प्राप्त होता है, राजपत्रित का अधिकारी बनता है दशम भाव का स्वामी जब केंद्र और त्रिकोण में रहता है। तो इस तरह का जो सरल सूत्र है उसको हमने बार बार बोल के आपको समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए जो भी जातक और जातिका राजसत्ता में जाना चाहते हैं, उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं,
तो ये स्थिति आपकी कुंडली में होगी, तो ये योग जरूर आपको फलीभूत होगा। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आया था, हमारे चैनल है एस्ट्रो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारे जब भी वीडियो अपलोड होंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी और आप वीडियो देख पाएंगे। आप परामर्श अपॉइंटमेंट आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।